कल सुबह ही हम सबको पता चला था कि BTS के बचे हुए 4 मेंबर्स हम सभी को छोड़कर अब फाइनली अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए चले जाएंगे। और जहां दुनिया भर के आर्मीज ये विश कर रही थी कि BTS के सभी मेंबर्स सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उसी के बीच में आर्मीज को काफी डेंजरस न्यूज मिली है। वो ये है कि एक सेसिंग फैन है जो कि जंगकुक और जिमिन के पीछे पड़ी हुई है और उसने दोनों को सीधे सीधे वार्निंग दी है कि अगर कुछ भी हुआ तो वो जंगकुक और जिमिन के पीछे पड़ जाएगी। और ये वार्निंग उसने आज के लिए ही दी थी क्योंकि जंगकुक और जिमिन आज जापान जाने वाले थे। ये बात कल रात को ही वायरल हो गई थी कि उनकी फ्लाइट है आज सुबह की। उसके बाद से ही ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर इस लड़की की ये पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जहाँ पर इसने ओपनली ये थ्रेड दिया है कि वो जिमिन से नफरत करती है। इस लड़की का कहना है कि वो जिमिन से नफरत करती है और उन्हें जिमिन जंगकुक के साथ पसंद नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जंगकुक और जिमिन साथ में ही जापान जाने वाले हैं, तो इस लड़की ने ओपनली चैलेंज दिया है कि अगर जिमिन जंगकुक के साथ जाता है जापान तो वो इंटरफेयर करेगी, वहां पर जाकर कुछ ना कुछ करेगी। ये तक नहीं बल्कि इसने तो ये भी बोला है कि वो जिमिन को जान से मारने की भी कोशिश करेगी। मतलब ओपनली इस लड़की ने जिमिन को जान से मारने की धमकी दी है, अगर वो जंगकुक के साथ दिखे तो ये ऐसा करेगी, इसका ये कहना है। और इसकी ये पोस्ट हर जगह पर काफी वायरल हो रही है। तो फिलहाल तो आर्मी काफी टेंशन में आ गई है और वो बार बार बिगिट को कल रात से ही इस न्यूज के बारे में बता रही है, उनको रिपोर्ट कर रही है कि ये लड़की है जो कि जिमिन के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे BTS के मेंबर्स एकदम सेफ रहे, क्योंकि ऐसे सीसन फैंस का कोई भी भरोसा नहीं होता। और पिछले कुछ दिनों में तो आपने देखा ही है कि पागलपन की सभी हदें पार कर सकते हैं ऐसे टॉक्सिक फैंस, क्योंकि पहले तो सिर्फ जंगकुक के घर तक खाना पहुंचाने की बात थी, उसके बाद वो दूसरी सेशन फैन तो वी की लिफ्ट तक और उनके घर तक पहुंच गई थी। और अब इसका कहना है कि अगर जिमिन जंगकुक के साथ नजर आए तो ये उनकी जान भी ले सकती है, यानी ये सब कुछ काफी डेंजरस है। और ऐसे टाइम पर BTS के सभी मेंबर्स को अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए और सभी आर्मीज को मिलकर इस आर्मी की आईडी जो है वो बिगेट को भेजनी चाहिए, इसकी फोटो भेजनी चाहिए, ताकि वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। और इस लड़की को अगर जिमिन और जंगकुक के आसपास भी देखा जाए तो तुरंत इसको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे BTS मेंबर्स को कुछ भी हो। हम यही चाहते हैं कि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हालांकि वैसे तो BTS के आसपास काफी सिक्योरिटी हमेशा ही होती है, लेकिन फिर भी इस बार हमें और अलर्ट रहना चाहिए। तो आर्मीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने ये वाली बात सुनी थी या फिर नहीं कि जिमिन और जंगकुक को इस तरीके की थ्रेट्स मिल रही हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।